सो सोविल टाइप्स ऑफ मैरिज तो एक होती है मोनोगी एक होती है पॉलीगेमी टाइप्स ऑफ मैरिज है एंड पॉलीगेमी तो पॉलीगेमी में होती है हमारी पॉलीगानी एंड पॉली एंड्री पॉलीगानी एंड पोली एंड्री पॉलीगाइनी में होती है हमारी सोरोरल फिलियल विलो इनहेरिटेंस नॉन सॉरोल सिंपली पॉलीगैनी और पॉली एंट्री में हमारी होती है लेवेरेट फैटर्नल एंड नॉन फैटर्नल लेवरेट फैटर्नल नॉन फैटर्नल पॉलीगाइनी पॉलीगाइनी में होता है सोरोरल फिलियल विरो इनहेरिटेंस एंड नॉन सोरोम्ली पॉलीगाइनी सोरोल मीन्स सारी बहनों से शादी कर लेना तो ये होगी सोरोल फिलियल विरो इनहेरिटेंस सन इनहेरिट द ऑल द विडोज हर फादर एक्सेप्ट इस बायोलॉजिकल मदर फॉर एग्जाम्पल एक राजा के बहुत सारी पत्नी है तो अब इसका जो सन होगा जो राजा की सारी पत्नी थी वो उसकी पत्नी हो जाएंगी बस इस अब इसकी खुद की वाइफ को छोड़ के इसकी खुद की मदर को बायोलॉजिकल मदर को छोड़ के बाकी जितनी भी बाकी जितनी भी फादर की वाइफ होगी वो बच्चा कर लेगा सन इनहेरिट कर लेगा इसे बोलते हैं फिलियल विनो इनहेरिटेंस ये राजा महाराजा के टाइम होता था फिलियल विनो इनहेरिटेंस कि फादर की जितनी भी पत्नी है वो सन की हो जाएगी सन इनहेरिट ऑल द विडोज ऑफ हर फादर एक्सेप्ट हिज बायोलॉजिकल मदर फिर नॉन सोरल सिंपली पॉलीगानी मतलब एक राजा बहुत सारी औरतों से शादी करता था बहुत सारी लेकिन वह जरूरी है बहन हुए जब बहनें होंगी एक ही शादी एक ही परिवार में बहुत सारी बहनें सबसे एक हु� एक शादी कर ले तो उसे बोलेंगे सोरल नॉन सरोरल और सिंपली पॉली मतलब बहुत सारी वुमेन से शादी करो लेकिन ज़रूरी नहीं हो वो बहने हो फिर होता है पॉली एंट्री पॉली एंट्री में एक लेवरेट होता है एक फैटरनल लेवरेट मीन्स होता है हस्बैंड आए तो गर्ल तो मैरिज है हस्बैंड ब्रदर तो उसे बोलते हैं लेबरेट और एक साथ ही सारे हस्बैंड से शादी कर ले तो ये होता है फ्रेटर्नल जैसे द्रौपदी ने एक ही साथ पाँचों भाई से शादी कर ली तो ये फ्रेटरनल है अगर एक हस्बैंड हसबैंड मर जाए फिर दूसरे भाई से शादी कर दो तो ये होता है लेबरेट और नॉन फ्रेटरनल मतलब एक ही वुमेन बहुत सारे मैन से शादी की हुई लेकिन ज़रूरी नहीं है वो भाई भाई हो तो सोलेंगे नॉन फ्रेटरनल तो वो मैन हैवी मोर देन हजबैंड मोर देन वन हजबैंड बट दे द हजबैंड मीन नॉट टू बी ब्रदर्स तो वो होगी नॉन फ्रेटरनल